झरने की ओर कोई नहीं जा सकता। क्षमा कीजिए हुजूर, ऐसा क्या होगा कि आप हमें झरने पर जाने से रोक रहे? क्या झरने में बाढ़ आने वाली है? बाढ़ झरने में नहीं आती मूर्खो। क्या तुम हमें क्षमा नहीं करोगे? ऐसे ही सोचते रहोगे? ठीक है, लेकिन याद रहे, आज के पश्चात हमारी आज्ञा के बगैर आप महल से बाहर नहीं निकलेंगे। नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। क्षमा क्या? अच्छा अच्छा मंगू, जब तुम क्रोधित होते हो ना तो बहुत डराने लगते हो। क्षमा करे गुरुदेव, क्षमा करे और मुझे जाने दे गुरुदेव। मुझे अपने अन्नदाता कुंवर भानु प्रताप सिंह के पास जाना चाहता हूँ। अरे वो जैसे भी थे आपसे तो बहुत अच्छे थे। आज यदि तुम किसी की प्रशंसा करोगे तो केवल हमारी। भगवान के घर देर अवश्य है किंतु अंधेर नहीं। भले ही मुझे देर से मालूम चला किंतु आज ये प्रमाणित हो ही गया कि देवा ने आप दोनों के बारे में जो कुछ भी कहा था वो 16 आने सत्य था। सत्य तो ये है कि पहले केवल तुम्हारे पिता कुंदनलाल की बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, किंतु अब दुष्ट देवा के सोचने और समझने की शक्ति भी समाप्त हो चुकी है। इसलिए उसने महारानी जी के चरित्र पर कीचड़ उछालने का ऐसा घृणित कार्य किया है और इसका दंड अवश्य उसे भुगतना होगा। ये मैं क्या सुन रही हूँ देवधर बाबा? गांव वाले तो ये कह रहे थे कि महारानी आपके साथ भागने की तैयारी कर रही थी, लेकिन आप तो मेरे बापू पर ही दोष लगा रहे हैं। मैं समझ गई, आप अपने बचाव के लिए मेरे बापू और देवा दोनों पर दोष थोपने का प्रयास कर रहे हैं। जब मेरे बापू ने गांव वालों को सत्य बताने की कोशिश की तब उनकी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन अब तो देवा को भी आपके प्रेम प्रसंगों का पता चल गया है। अब देखती हूँ गांव वाले कैसे मेरे बापू की बातों पर यकीन नहीं करते। अब आप दोनों की पोल शीघ्र खुलने वाली है। तुम ठीक कह रही हो बेटी, गांव वालों को विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारे पिता ने सत्य बोल के गांव वालों का भला सोचा है, और इसके पश्चात हमें तिरस्कार मिलेगा। तो तुम प्रसन्न हो जाओगी ना चंदा? और नहीं तो क्या? यदि गांव की बहू बेटियों पर आप दोनों की रासलीलाओं का प्रभाव पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आज अवसर मिलते ही आप फिर से कपड़ों की गठरी उठाए भाग रहे थे, वो तो मैं मार पड़ा दी, वरना अब तक तो आप दोनों गांव की सीमा भी पार कर चुके होते। मूर्ख युवती, जिस तरह तुम्हारे पिता दुष्ट है उसी तरह तुम भी दुष्ट हो। महारानी जी अपने पूजा के वस्त्रों को अकेले धोने के लिए नदी पर गई थी, और जब मुझे ये पता चला कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मानवता का धर्म निभाने के लिए मैंने उनके कपड़ों की पोटली उठा ली, और तुम मानवता के इस पवित्र कर्तव्य पर कीचड़ उछाल रही हो। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सच्चाई पर पर्दा गिराना तो कोई आपसे सीखे देवधर बाबा। आप एक साधु हैं तो क्यों संसार के कार्यों में अपना ध्यान लगाते हैं? आपका कार्य भगवान की पूजा अर्चना करना है तो क्यों सांसारिक कार्यों में उलझ रहे हैं? मानवता की सेवा करना ईश्वर की सबसे बड़ी भक्ति है, और तुम जैसे अधर्मी लोगों को केवल ईश्वरी सद्बुद्धि दे सकता है। चलिए महारानी जी, ऐसे अधर्मी लोगों के सामने से हट जाना ही उचित होगा। ईश्वरी
तुम्हें और तुम्हारे पिता को कभी क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि तुम लोगों ने देवधर बाबा जैसे संत का अपमान किया है। स्त्री के रूप में तुम एक विषकन्या हो, और याद रखना तुम्हारे मन में भरा ये वेश एक दिन तुम्हारे दुखों का कारण बनेगा। जब मुझे अभिशाप देने से पहले आप अपने मन के भीतर भी अच्छी तरह से झांक कर देख लीजिए महारानी जी। यदि चोरी बार बार पकड़ी जाए तो उसका दंड भी भुगतना पड़ता है महारानी जी। अब मैं कोई अबोध बालिका तो हूँ नहीं, इतनी समझदार तो हूँ कि यदि मैं गांव वालों को चिल्ला चिल्ला कर यहाँ बुला लूँ तो आज ही सच्चाई का पता चल जाएगा। आप ही बताइए महारानी जी, मुझे क्या करना चाहिए? चलिए देवधर बाबा, घर चलते हैं। अब मुझे भी घर लौट जाना चाहिए। देखना, जब बापू को इन दोनों के भागने की खबर सुनाऊंगी तो बापू कितने प्रसन्न हो जाएंगे। सत्य कह रहा हूं देवा, जिस दिन से महारानी पद्मावती और देवधर बाबा ने गांव में भी छुप छुप कर रास लीलाएं रचाई है, उस दिन से मेरा तो इस गांव से मन ही उठ गया है। मैंने गांव वालों को सत्य बताया था, लेकिन क्या करूं, मेरी बात पर कोई विश्वास ही नहीं करता देवा। सत्य को अधिक दिनों तक नहीं छुपाया जा सकता है कुंदन भैया। पहले तुम अकेले थे, किंतु अब देवा भी तुम्हारे साथ है। याद रखना, एक दिन हम दोनों मिलकर उस महारानी पद्मावती और देवधर बाबा की बोल सारे गांव में खोल देंगे। विश्वास रखो देवा पर विश्वास। क्या बात है चंदा बेटी, तुम क्रोधित दिखाई दे रही हो, कहीं किसी के साथ झगड़ कर तो नहीं आ रही हो ना बेटी? बताओ बेटी। क्या कहूँ बापू, आज जो मैंने देखा है यदि उसे आप लोगों को बताऊंगी तो कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन आज मेरे नेत्रों ने साफ साफ देख लिया है कि वो महारानी पद्मावती फिर से कौन सा नया गुल खिला रही है। शीघ्र बताओ बेटी, महारानी ने अब कौन सा नया कार्य किया है? कहते हुए तो लज्जा आती है, लेकिन वो महारानी पद्मावती वो देवधर बाबा के साथ भागने की तैयारी कर रही थी। और तो और वो देवधर बाबा वो महारानी के वस्त्रों की पोटली को अपने शीश पर लादे भागे चले जा रहे थे। छी छी छी, अरे उस साधु को अब महारानी के मैले वस्त्र उठाकर भागने की आवश्यकता पड़ने लगी है। छी छी छी, पता नहीं मृत्यु की अवस्था में अब ये देवधर के मन में क्या सूझी है। अब उन्हें कौन समझाए कि वो कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। देखा देवा देखा, भले गांव वाले मुझे सबसे बड़ा झूठा समझे, लेकिन तुम तो जानते हो ना महारानी और देवधर के बीच कितनी गहरी रासलीला चल रही है। मैंने तो उन दोनों के प्रेम की गहराई का उसी समय अंदाजा लगा लिया था कुंदन भैया, जब रात्रि के अंधकार में मैंने उन्हें भागते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। अब इसमें कोई संदेह नहीं बचा है, कोई संदेह नहीं। मुझे तो दाल में केवल काला ही नजर आता था। नहीं देवा नहीं, मुझे तो पूरी दाल ही काली दिखाई पड़ रही है। तुमने अभी अभी महारानी और देवधर के नए कार्य के बारे में सुना, बस उसे गांव वालों के सामने जाकर तुम उजागर कर दो। गांव वालों को सत्य का पता भी चल जाएगा और भोले भाले गांव वालों की दृष्टि पर पड़ा हुआ पर्दा भी हट जाएगा, जिसके कारण वो एक शैतान को साधु समझ रहे हैं। वाह कुंदन भैया वाह, आपने तो देवा के मन की बात को पढ़ लिया है। अब मुझे उस महारानी पद्मावती और देवधर बाबा से और अधिक घृणा हो गई है, क्योंकि उन दोनों के पापों का प्रभाव हमारे गांव की इन बेटियों पर भी पड़ सकता है। इसलिए
अब गांव वालों के सामने सत्य को उजागर करना देवा का प्रथम कर्तव्य है। वाह देवा वाह, तुम्हारा ये उत्साह एक दिन तुम्हें मेरी तरह गांव का मुखिया अवश्य बनाएगा। अब देर न करो देवा और अपने कार्य के प्रारंभ में शीघ्र ही जुट जाओ। मुझे विश्वास है कि तुम पराजय कभी स्वीकार नहीं करोगे। जाओ देवा, सारे गांव में महारानी पद्मावती और साधु के वेश में छिपे शैतान देवधर की करतूतों का डंका बजा दो। समझो डंका बज गया है, जिसकी गूंज सारे गांव को सुनाई देना शेष है। चलता हूं कुंदन भैया। राम जी की। कुंदन, देवा को ढाल बनाकर ही तीर चलाने में समझदारी है, क्योंकि देवा ही गांव वालों के मन में महारानी और देवधर के प्रति विष के बीज बो सकता है। कन्हैया लाल, क्या तुम्हारी मति मारी गई है? जो गांव की सीमा में तुम अपनी युवा पुत्री को लेके घूम रहे हो? क्यों, गांव की सीमा पर अपनी पुत्री को लेके घूमने में क्या बुराई है? ये लो, क्या तुम नहीं जानते कि महारानी पद्मावती देवधर बाबा के साथ छुप छुप कर रासलीलाएं मना रही है? यदि महारानी पद्मावती की छाया भी तुम्हारी इस पवित्र बेटी के मुख पर पड़ गई ना, तो तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। कन्हैया लाल, देखो देवा, सोच समझ कर बात करो। मेरे बापू ठीक कह रहे हैं, महारानी जी तो देवी है, देवी। अरे वाह, जो महारानी अपनी लज्जा छोड़कर गांव की सारी युवतियों को बिगाड़ रही है, उसे तुम देवी कह रही हो? यदि तुम्हें उस देवी का वास्तविक रूप देखना है तो चलो उस कुंदन के पास, जहां तुम्हें उसका वास्तविक रूप पता चल जाएगा। कुंदन तो स्वयं झूठा है, वो हमें क्या सत्य बताएगा? तो कुंदन की बेटी चंदा से मिलकर देख लो, क्योंकि चंदा ने उस महारानी और देवधर बाबा को भागते हुए रंगे हाथों सुकून पकड़ा है। यदि यह असत्य हुआ तो देवा अपनी गर्दन कटवा देगा। चलो कुंदन के घर चलते हैं, जहां तुम्हें कुंदन की बेटी चंदा सत्य के दर्शन करवा देगी और तुम्हारे नेत्र खुल जाएंगे। चलो ठीक है, चलो आओ मेरे साथ। बेटी चंदा, अरे ओ बेटी चंदा, क्या हुआ बापू? आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? आपका स्वास्थ्य ठीक है ना? यदि इसी प्रकार महारानी पद्मावती देवधर बाबा से छुप छुप कर मिलती रही तो मेरा ही क्या, सारे गांव वालों का स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। पता नहीं ईश्वर इन दोनों को कब सद्बुद्धि देगा। ये तो ईश्वर ही जाने, वो दोनों सुधरे या और अधिक बिगड़ जाए, इससे आपको क्या लेना देना बापू? तो जैसा करेगा वैसा भरेगा। उन दोनों के बारे में इतना अधिक सोचकर आप अपना स्वास्थ्य क्यों खराब कर रहे हैं? गांव का मुखिया होने के नाते मुझसे ये पाप देखा नहीं जाता बेटी। अगर मेरे बस में होता तो मैं इन दोनों को गांव से बाहर निकलवा देता, क्योंकि इन दोनों का प्रभाव हमारे गांव की बहु बेटियों पर पड़ सकता है। जय राम जी की कुंदन भैया। जय रघुनंदन देवा। इस वक्त तुम कन्हैयालाल और उसकी पुत्री रूपा के साथ कहां से आ रहे हो? मैं तो गांव की सीमा पर पहरा देता हुआ उस महारानी और देवधर बाबा पर दृष्टि जमाए हुए था, किंतु अचानक ये कन्हैयालाल मुझे अपनी युवा पुत्री के साथ वहां मिल गया। अरे समझाओ इसे, समझाओ। क्या तुम ये क्या मूर्खता कर रहे हो कन्हैयालाल? यदि महारानी पद्मावती की छाया तुम्हारी इस युवा पुत्री पर पड़ गई तो तुम्हारी पुत्री का जीवन
नरक बन जाएगा। महारानी ने ऐसा क्या कर दिया जो आप उनके लिए इतने कड़वे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? ये सारा गांव जानता है कि महारानी पद्मावती इस अवस्था में देवधर बाबा से प्रेम करने लगी है। वो दोनों किसी भी समय गांव छोड़कर भाग सकते हैं। अब तो तुमने चंदा के मुख से भी सुन लिया है ना कन्हैया भैया, क्या तुम्हें अब भी देवा की बात पर विश्वास नहीं हो रहा? देवा ने जो कहा था वो सत्य था। विश्वास तो अभी भी नहीं हो रहा था, लेकिन जब चंदा के मुख से ये बात सुनी तो संदेह नहीं रहा। बापू, मुझे तो महारानी जी और देवधर बाबा से घृणा हो गई है। आज के पश्चात मैं उन दोनों का मुँह कभी भी नहीं देखूंगी। सच कह रही बेटी, जिसे सारा गाँव देवी समझ कर पूज रहा था वो इतनी चरित्रहीन निकलेगी, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। ऐसी महारानी का इस गांव में रहना बहुत संकटमय है बाबू। ऐसी महारानी को और देवधर बाबा को तो काला मुंह करके गांव के बाहर निकल देना चाहिए, ताकि ऐसा नीच कार्य करने का साहस फिर से कभी कोई ना कर सके। तुमने तो मेरे मन की बात कह दी रूपा बेटी, किंतु इनका तो उससे भी बुरा असर होना चाहिए। हमारे गाँव पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। यदि ऐसा चलता रहा तो हमारे गांव की बेटियों से कौन शादी करेगा? मैं अपने गांव की बेटियों का भविष्य कभी नहीं बिगड़ने दूंगा। जिस महारानी और देवधर बाबा के कारण हमारे गांव में संकट आया है, मैं उन दोनों को इस गांव से बाहर निकलवा दूंगा। ऐसा तभी संभव होगा देवा, जब सारे गांव वाले सत्य जानेंगे। इसलिए तुम सारे गांव वालों के सामने शीघ्र ही सत्य बता दो, अन्यथा देर हो जाएगी। अब देर नहीं होगी कुंदन भैया, मैंने और मेरी बेटी रूपा ने सत्य जान लिया है। अब सारे गांव को हम बता देंगे। यदि तुमने हमारा साथ दे दिया तो बहुत सुखी रहोगे कन्हैया लाल। क्यों कुंदन भैया? ये तभी संभव होगा देवा, जब गांव वालों के सामने महारानी पद्मावती की कलई खुल जाए, तो उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। महारानी जी अकेले बाहर की चोटी पर क्या कर रही? अवश्य कोई संकट का संकेत है। महारानी जी अकेले बाहर की चोटी पर क्या कर रही? अवश्य कोई संकट का संकेत है। महारानी जी क्या कर रही है? हम अब जीवित नहीं रहना चाहते बाबा, हमें मर जाने दीजिए बाबा। हम और तिरस्कार नहीं सह सकते, हम जीवित नहीं रहना चाहते बाबा। नहीं महारानी जी, ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा कभी नहीं हो सकता। यदि आपने ऐसा कुछ अनर्थ कर दिया तो मैं वनराज को क्या उत्तर दूंगा? महारानी जी, आज के पश्चात यदि आपने अपने मृत्यु के विषय में सोचा तो हमारा मरा हुआ मुंह देखेंगे आप। ये आपने क्या कह दिया बाबा? ईश्वर करे आपको 100 वर्षों की आयु मिले, किंतु आप किसके सहारे जिए? पहले ईश्वर ने वनराज के पिताश्री को हमसे दूर कर दिया, फिर हमारा पुत्र हमसे बिछड़ गया, और अब हम ये गांव वाले हमारे चरित्र पर उंगलियां उठा रहे हैं बाबा। हम महारानी जी, आप बस थोड़ा सब्र से काम लीजिए, देखिएगा ईश्वर उन लोगों को अवश्य दंड देगा जिन्होंने आपको सताया है। मत लीजिए उस ईश्वर का नाम हमारे सामने बाबा, जिसने हमें अपमान और दुखों के सिवा कुछ नहीं दिया। हमारा विश्वास उठ गया है ईश्वर पर से। इस संसार में परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं। ऐसा नहीं कहते महारानी जी, हम जानते हैं भले ही इस समय आप घोर कष्टों में जी रही हैं, वो सब देख रहा है। उसके घर में देर अवश्य है, परंतु अंधेर नहीं है महारानी जी, देखिएगा आपकी खुशियां अवश्य लौट आए। नहीं बाबा, आप वर्षों से हमें झूठी सांत्वना दे देकर हमें जीने पर विवश कर रहे हैं, किंतु अब हमारा जीवन से मोह भंग हो गया है बाबा। वहां महल में दोनों रानियां हम पर कटाक्ष करती थी, और यहाँ गांव वाले हमारे पीछे पड़े हुए। नहीं, मृत्यु के सिवा
हमें और कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है पापा, और कोई रास्ता नहीं है। नहीं महारानी जी, मैं तो आपसे केवल इतना ही कहूंगा कि जिन लोगों ने आपको सताया है, देखिएगा एक दिन वो आपके पैरों पर गिरकर आपसे क्षमा याचना करेंगे। बस आप कुछ देर और प्रतीक्षा कीजिए, जैसे ही वनराज रूपनगर से लौट कर आएंगे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे महारानी जी। वनराज कब आएगा वापस पापा, कब? यदि वो हमारे नेत्रों में ज्योति रहते आ गया तो ठीक, अन्यथा उसे देखे बिना ही हमें इस संसार को त्याग देना होगा। नहीं महारानी जी, ईश्वर आपके साथ ऐसा अनर्थ कभी नहीं करेगा। वनराज उस फूल को लेकर अवश्य आएगा जिसमें आपकी और उसकी प्रसन्नताएं छिपी हुई हैं। बस महारानी जी, आप कुछ दिन और वनराज की प्रतीक्षा कीजिए, वनराज रूपनगर से अवश्य लौट कर आएगा। बाबा, आप मुझे इतने आश्चर्य से क्यों देख रहे हैं? चंद्रमुखी के फूल का नाम सुनते ही आप इतनी चिंता में क्यों पड़ गए? नहीं देते सम्राट, हम किसी चिंता में नहीं पड़े हैं, बल्कि हम तो ये सोच सोच कर आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि संपूर्ण संसार में आप एकमात्र ऐसे महापुरुष हैं जो रूपनगर के इस कठिन पथ पर चंद्रमुखी का फूल प्राप्त करने के लिए आए हैं, जबकि अन्य यहां जो कोई भी आता है केवल राजकुमारी चंद्रमुखी को प्राप्त करने के लिए आता है। सबका बस एक ही उद्देश्य होता है, एक ही उद्देश्य, राजकुमारी चंद्रमुखी। मुझे किसी के उद्देश्य से कोई मतलब नहीं, मैं केवल इतना जानता हूं कि मुझे किसी भी मूल्य पर चंद्रमुखी का फूल प्राप्त करना है। सम्राट, चंद्रमुखी का फूल तो क्या, आप चाहें तो आपको चंद्रमुखी का संपूर्ण राज्य भी प्राप्त हो सकता है। हाँ, एक बार, बस एक बार आपको हाँ भर करने की देरी है। नहीं, ना तो मुझे चंद्रमुखी चाहिए और ना ही उसका राज्य। मैं पहले भी कह चुका हूं और आगे भी यही कहूंगा, जैसे अर्जुन की दृष्टि केवल मछली की आंख की ओर टिकी हुई थी, वैसे ही मेरी दृष्टि केवल चंद्रमुखी के फूल की ओर केंद्रित है। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं दैत्य सम्राट, अपने लक्ष्य के प्रति आपकी निष्ठा को देखकर हम गदगद हो उठे हैं, प्रसन्नता से झूम उठे हैं। दैत्य सम्राट, यदि आप अपनी सेवा का एक अवसर भी हमें प्रदान करेंगे तो हम स्वयं को भाग्यशाली समझेंगे। क्षमा कीजिए बाबा, मैं अपना कार्य स्वयं संपन्न करता हूं। जो वचन मैंने अपनी मां को दिया है मैं उसे अपने बल पर पूरा करूंगा। मुझे आपकी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ऐसा कहकर आप अपने इस भक्त की प्रार्थना को ठुकरा रहे हैं दैत्य सम्राट। यदि एक बार आप हमें अपनी छत्र छाया में ले लें तो हमारा जीवन सफल हो जाए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे जीते जी हम आपके प्राणों पर कोई भी संकट कभी भी आने नहीं देंगे। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझे इतना मान सम्मान क्यों दे रहे हैं। मैंने तो आपके लिए सभी कार्य नहीं किया, जो आप मेरी सहायता करने के लिए इतने उत्सुक हैं। वो इसलिए देते सम्राट कि आप स्वयं नहीं जानते कि आप कितने महान हैं। इस संपूर्ण संसार में आपसे बड़ा मातृभक्त कोई हो ही नहीं सकता। अपनी माता को दिया हुआ वचन निभाने के लिए आपने अपने प्राणों की चिंता भी नहीं की और यहाँ इस घनघोर मायावी जंगल में चले आए,
इसके अलावा इस संसार का सबसे शक्तिशाली महापुरुष होते हुए भी आप इतने सरल और साधारण हैं कि श्रद्धावश हमारा शीश आपके आगे स्वयं ही झुक जाता है। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि चंद्रमुखी का फूल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा, अवश्य। वो जादूगर किस रहस्यमय फूल की बात कर रहा है? चंद्रमुखी के फूल में ऐसा क्या रहस्य छुपा है? ये वो युवराज हजारों कोसों की यात्रा करके यहाँ चला आया। चंद्रमुखी के फूल में ऐसा क्या रहस्य छुपा है? ये वो युवराज हजारों कोसों की यात्रा करके यहाँ चला आया। विचित्र सूचना महामहिम राजवीर सिंह को तत्काल देनी होगी। बाबा, आपके व्यवहार ने मेरा मन जीत लिया, किंतु मैं आपको अपने साथ लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे अपने लक्ष्य की ओर शीघ्र से पहुंचना है। आपकी आज्ञा के बिना हम आपके साथ चल भी नहीं सकते दैत्य सम्राट, परंतु हाँ, हम आपकी सफलता के लिए सदैव प्रार्थना करते रहेंगे। यदि आप इस दास का निवेदन स्वीकार करें तो यहाँ से आगे के मार्ग पर थोड़ा संभल कर चलिएगा, क्योंकि रूपनगर के इस मायावी जंगल का सबसे कठिन और मायावी मार्ग यहीं से प्रारंभ होता है। रूपनगर के इस मायावी जंगल में यहाँ से आगे आपको ऐसी विचित्र और मायावी शक्तियां मिलेंगी जिनका रहस्य कोई भी नहीं जानता। हाँ, कोई भी नहीं। मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैंने अनेक मायावी शक्तियों और अनेक शत्रुओं का सामना किया है। आप अपना ख्याल रखिए, मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के बाद अपने भूमि की ओर लौट जाऊंगा। धन्य है वो भूमि जहां से आप पधारे हैं दैत्य सम्राट। यदि हो सके तो अपने इस तुच्छ भक्त की एक अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण कर दीजिएगा। अंतिम इच्छा? मैं समझा नहीं बाबा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? यही कहना चाहते हैं दैत्य सम्राट कि आप जब रूपनगर से चंद्रमुखी का फूल लेकर वापस लौटे तो हमें दर्शन अवश्य दें, अन्यथा पता नहीं भविष्य में आपके दर्शन करने का सौभाग्य कब प्राप्त होगा। ठीक है, अगर ईश्वर ने चाहा तो आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। कहते हैं ना, जिसके मन में सत्य हो उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। लौटते समय अगर समय अनुकूल रहा तो मैं आपसे अवश्य मिलूंगा, ये मेरा वचन है। आप धन्य है गुरुदेव, धन्य है। आपके इस वचन ने हमारे भीतर नए प्राणों का संचार कर दिया है। हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। अब मुझे अपनी माँ की याद सताने लगी है। उन्हें देखे हुए कितना समय व्यतीत हो गया। अब मैं शीघ्र से शीघ्र चंद्रमुखी का फूल प्राप्त करके अपनी माँ के दर्शन करना चाहता हूँ। इसलिए मैं एक क्षण भी गवाए बिना रूपनगर के और प्रस्थान कर देना चाहता हूँ। जाइए दैत्य सम्राट, जाइए। सफलता की देवी आपके चरणों का चुंबन करने की प्रतीक्षा कर रही है। अब हम आपके दर्शन तभी करेंगे जब आपके हाथों में चंद्रमुखी का फूल होगा। जाइए। चलता हूं बाबा। हमारी शुभकामनाएं। दैत्य सम्राट चले गए। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ही दैत्य सम्राट को चंद्रमुखी के फूल की प्राप्ति होगी, हमें राजकुमारी चंद्रमुखी की प्राप्ति होगी। अब हम प्रतीक्षा करेंगे कि दैत्य सम्राट कब और कैसे रूपनगर पहुंचते हैं। Thank you.
वो सूर्य प्रताप सिंह पता नहीं मुझे छोड़कर कहां लुप्त हो गए। अजिंत्य प्रताप सिंह दृगेश्वरी उनका भी कुछ पता नहीं चल रहा, पता नहीं कहां ढूंढो उन्हें, कुछ समझ नहीं आ रहा। उसे फिर दिखाई दी, उसे बुखार ना होगा, वो जरूर मुझे कोई पथ बता पाएगी। युवती, ओ युवती, युवती, युवती दोबारा मुझसे डरते क्यों भाग गई? ऐसा क्या कारण हो सकता है जो मुझसे इतनी भयभीत है? वनराज कुंवर, कुंवर मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम कहां लुप्त हो गए थे? मैं तुम्हें कब से खोज रहा हूं? तुम जब उस गीत को सुनते सुनते हमें छोड़कर चले गए थे तो हम इस जंगल में अकेले पड़ गए थे। उस गीत को गाने वाली युवती राजकुमारी चंद्रमुखी थी वनराज, इसीलिए उसकी सुरक्षा का पहरा भी बंद करा था। हम किसी तरह राजकुमारी चंद्रमुखी के रक्षकों की दृष्टि से छिपते छिपाते यहां तक पहुंच गए और हमें तुम दिखाई पड़ गए। हमारा भाग्य बहुत प्रबल है कि हम दोनों दोबारा मिल गए। अब मुझे दुर्गेश्वरी और विजेंद्र प्रताप सिंह की चिंता सताई जा रही, पता नहीं वो दोनों कहाँ होंगे। यही बात तो हमें भी सता रही है वनराज, दुर्गेश्वरी और विजेंद्र प्रताप सिंह को तत्काल खोजना होगा। यदि सुरक्षा रक्षकों की दृष्टि उन पर पड़ गई तो वो उनके घेरे में फंस जाएंगे। तुम ठीक कह रहे हो कुंवर, हमें तत्काल यहाँ से प्रस्थान कर लेना चाहिए वरना अनर्थ हो जाएगा। चलो ठहरो। राजकुमारी जी के राज अतिथि सूर्य प्रताप सिंह महल से अचानक यहाँ कैसे आ गए? कौन है आप? हमारा पद छूटे क्यों खड़े हैं? हम राजकुमारी चंद्रमुखी के सुरक्षा अधिकारी हैं। आश्चर्य है, आप तो महल में थे, फिर इस भटके हुए युवराज के साथ यहाँ कैसे? क्या बात है, आप दोनों किस सोच में पड़ गए? क्षमा करना गजराज सिंह जी, आप जो हमें समझ रहे हैं वो नहीं है। क्या? फिर आप कौन हैं?
आपके महल की एक मायावी शक्ति हूँ, मंधरा। हम समझ गए मंधरा, तुम इस युवराज को भ्रमित करके कहीं और भटकाने का प्रयत्न कर रही थी। किंतु तुम ये क्यों भूल गई कि तुम ऐसा करके कितना बड़ा अपराध करने जा रही थी? क्या तुम्हें राजकुमारी चंद्रमुखी के आदेश का पता नहीं? यदि उनको ये पता चल गया तो तुम्हें मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। मुझे क्षमा कर दीजिएगा गजराज सिंह जी, अनजाने में मुझसे भूल हो गई। मैं समझी थी कि ये अन्य राज्य के कोई गुप्तचर है, इसीलिए मैं उनको भ्रमित करके भटकाने का प्रयत्न कर रही थी। ये कोई अन्य राज्य के गुप्तचर नहीं है, ये राजकुमारी चंद्रमुखी के होने वाले राज अतिथि वनराज है। मूर्ख मंधरा, आज के पश्चात इनकी तरफ दृष्टि उठाकर देखने का भी प्रयास किया तो तुम्हें महल के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। अब जाओ यहाँ से, और ये अपनी सूरत मुझे फिर कभी नहीं दिखाना। जो आज्ञा हुजूर। कष्ट के लिए क्षमा चाहते हैं वनराज जी, आज से आप राजकुमारी चंद्रमुखी के राज अतिथि हैं। चलिए हम आपको सुरक्षित रूपनगर ले चलते हैं। चलिए। राज जैसे योद्धा को भी अपने जाल में फंसा लिया। इसका मतलब है मैं फूंक फूंक कर कदम रखना होगा भानु प्रताप से। कहीं ऐसा ना हो कि राजकुमारी चंद्रमुखी को प्राप्त करने की बजाय उसकी कारागार में जीवन व्यतीत करना हो। मनुष्य को उतना ही औदा देना चाहिए जितने की वो लायक हो। पता नहीं किस अशुभ घड़ी में हमने तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त किया था। हमारे सामने क्यों चल के आ रहे हो विश्वासघाती? जाओ अपने इस नए स्वामी के साथ हमारी दृष्टि से दूर हो जाओ, अन्यथा हम तुम्हारा वध कर देंगे। Oh!